Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will be discussing the newspaper for 11th of December 2020. दो न्यूज़पेपर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हम आज देखेंगे कि उनमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, गवर्नमेंट आस्क्स फार्मर्स यूनियंस टू रिकंसिडर इट्स प्रपोजल. तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रपोजल्स जो हैं वो फार्म यूनियंस को दिए हैं, जो कि फार्म यूनियंस वो चाहते हैं कि वो फार्म यूनियंस एक्सेप्ट कर लें, बट फार्म यूनियंस आर एडमेंट एट रिपील ऑफ द लॉज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये कहना है दैट वी हैव वॉक्ड आवर पाथ, नाउ इट इज़ योर टर्न. तो एक तरह से एक लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई है. काफ़ी सारे कंटेंशियस प्रोविजंस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी जो फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरा का पूरा लॉ रिपील कराने के ऊपर एडमेंट है. जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन फार्मर्स डिमांड कर रहे थे दैट वॉज द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और MSP इन राइटिंग. और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो राइटिंग में, लॉ में MSP की प्रोविजन प्रोवाइड करवा देंगे. एंड सेकेंडली, दे विल ऑल्सो एंश्योर पैरिटी बिटवीन द गवर्नमेंट रन मंडीज एंड द प्राइवेट मंडीज. तो जो मंडी सेस एग्जेम्प्ट किया गया था प्राइवेट मंडीज के लिए, अब उसे दोबारा से इम्पोज करने की जो प्रॉमिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है. तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन आपको पता होने चाहिए. और फार्मर्स अभी भी लॉ रिपील करने के लिए क्यों कह रहे हैं, देर आर सो मेनी रीजन. सो दिस इज वॉट यू नीड टू नो अबाउट. नेक्स्ट न्यूज इज ऑन द राइट साइड, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पिरेशंस. देखिए, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा है. ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में दैट इंडियन पॉलिटी वी नीड टू नो वट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा और लोकसभा की जो भी कॉम्पोजिशन है वो आज से 70 साल पहले डिसाइड की गई थी, इन 1950 एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आज की डेट में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है. सो इट इज़ नॉट फेयर फॉर वन MP टू रिप्रेजेंट सच अ लार्ज पॉपुलेशन. इसलिए टाइम टू टाइम उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसका ओवरऑल नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है. क्योंकि आज़ादी के वक्त इंडिया की पॉपुलेशन जो थी, आज उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा आबादी है इंडिया की. इसलिए सीटों का बढ़ना भी ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज अ टसल बिटवीन द स्टेट्स विच वर एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड दोज विच कुड नॉट. क्योंकि अगर सीट्स को बढ़ा दिया जाता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उन स्टेट्स की सीटें ज़्यादा हो जाती जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनकी पॉपुलेशन बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली बढ़ी है. जबकि कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो उनकी सीटें कम हो जाती. इसलिए इन सीटों के बढ़ने के ऊपर एक फ्रीज लगा दिया गया जो कि 2026 तक वैलिड है. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटों के ऊपर फ्रीज लगा दिया गया है. लेकिन 2026 के बाद जब ये सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें इतने MPs अकोमोडेट नहीं हो सकते. सेकेंडली, उस बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो 90 साल पुरानी बिल्डिंग है. तो इस वजह से भी एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत थी. थर्ड रीज़न इज़ द ओल्ड पार्लियामेंट इज़ नॉट टेक सेवी, वो टेक्नोलॉजिकली इंक्लूसिव नहीं है. सो द न्यू पार्लियामेंट विल बी अलॉट मोर टेक सेवी, इट विल बी अलॉट मोर डिजिटली कनेक्टेड एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द न्यू इंडिया. तो इन तीन कारणों की वजह से नई पार्लियामेंट जो है बिल्डिंग वो बनाई जा रही है. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में उनकी डेथ से कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया था दैट द लोकसभा शुड हैव 1000 मेंबर्स, दैट करंटली इट हैज़ ओनली 550 मेंबर्स बट इट शुड हैव 1000 मेंबर्स. तो उसको डबल करने की उन्होंने बात की थी. सो ही वॉज अ रीनाउंड पोलिटिकल साइंटिस्ट. तो उनका 1000 सीट्स एडवोकेट करना मीन्स अलॉट. तो वो न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं दैट वाई डॉक्टर प्रणब मुखर्जी रिकमेंडेड दैट द लोकसभा सीट्स बी इंक्रीज्ड टू 1000. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू सी दिस द राइजिंग, नॉट ओनली द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग नहीं है बट विच इज इम्पॉर्टेंट, वट इज इम्पॉर्टेंट इज द इंस्टीट्यूशन विल एक्सपैंड एंड वाई इट नीड्स टू एक्सपैंड. दैट इज वट इज आर कंसर्न फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है on the right side, on the front page itself, lawsuits could force Facebook to sell Instagram, WhatsApp. देखिए, जो फेडरल ट्रेड कमीशन है US की, उसने
एक केस ओपन किया है फेसबुक के अगेंस्ट कि वो कंपटीशन को डिफाई कर रहा है, और उसने बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सबको एक्वायर कर लिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है कि कैसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच मे लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी इसके लिए हमारी एक बॉडी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास आ जाती है, दैट इज ऑन द राइट साइड बॉटम, हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। तो एक इंडिया का एक NGO है हेल्प एज इंडिया, जिसे कि UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिया गया है। इससे पहले किसी इंडियन को ये अवार्ड आज से 28 साल पहले 1992 में मिला था, और वो थे JRD टाटा। और उसके 28 साल बाद इस साल इंडिया की किसी इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना की थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1981 में, विच रिकॉग्नाइजेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस NGO के बारे में, इस बॉडी के बारे में सब कुछ जानना, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। देन दिस आर द रीजनल पेजेस, सो वी मूव डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पेज। ऑन पेज नंबर 6, लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल है ग्रेन एंड शाफ, द सेंटर मस्ट फर्स्ट इंप्लीमेंट इट्स प्रपोजल्स बिफोर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद द फार्मर्स। तो उसी के साथ ये मिलती हुई न्यूज है जो हमने फ्रंट पेज पे पढ़ी थी। इसमें बताया गया है कि सेंटर ने किन किन चीज़ों के ऊपर अपना एग्रीमेंट दे दिया है, अपना जो प्रपोजल है वो दे दिया है, और फार्मर यूनियंस अभी और क्या ज़्यादा डिमांड कर रही हैं। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, इसकी आप कटिंग भी रख सकते हैं या इसमें से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जहां पर भी आप इशू को कंपाइल कर रहे हैं। सेकेंडली, ट्रू टू इट्स नेम, द सेकेंड आर्टिकल ऑन द लेफ्ट साइड, द DCGI और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डिड वेल टू सीक मोर डेटा बिफोर क्लियरिंग एमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन। तो एमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन जो है वो अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन के लिए एमरजेंसी यूज की नॉट मांगी थी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर अभी के लिए स्टे लगा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि और ज्यादा डेटा मिले वैक्सीन के ऊपर, जिससे कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना रह जाए। बिकॉज दिस, वंस दिस वैक्सीन इज स्टार्टेड टू बी एडमिनिस्टर्ड, इट विल कवर क्रोड्स ऑफ पीपल विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। तो अगर बाद में कोई इसमें प्रॉब्लम सामने आती है, इट कैन हैव रियली सीरियस रिपरकशंस फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इस तरह का कोई रिस्क ना लेते हुए DCGI ने प्रपोजल दिया कि अभी और ज़्यादा ट्रायल का डेटा हमें चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है वो क्लियरेंस मिल पाएगी। सो इट्स अ रियली गुड स्टेप एंड इट शोज हाउ साइंस एंड विजडम हैज टू गो हैंड इन हैंड। उसके बाद ऑन पेज नंबर 7, OPED पेज, लेफ्ट साइड बॉटम, ईरान्स कैलकुलेटेड रिस्क। तो ईरान और US के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 2015 में, विच वॉज नेम्ड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। और इसमें एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ थे P5+1 कंट्रीज, यानी कि 6 कंट्रीज। जो P5 हैं वो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें कि चाइना, फ्रांस, रशिया, US और UK, ये 5 कंट्रीज आ जाते हैं। प्लस वन में आता है जर्मनी। तो इन 6 कंट्रीज ने मिलकर एक डील नेगोशिएट की थी ईरान के साथ, जो कि उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को टोन डाउन कर दे, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करे, और उसके बदले में इन सभी कंट्रीज़ ने ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं उन्हें ये कंट्रीज़ हटा लेंगी, उन्हें ये कंट्रीज़ वापस ले लेंगी। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि US के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से उन्होंने इस डील से विड्रॉ कर लिया, और अब जो ईरान है वो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सो देर इज़ अ टसल, देर इज़ अ, यू कैन से, एक्रीमनी बिटवीन ईरान एंड US, जिसे कि अब नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से कम करने की उम्मीद है। तो ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है, दैट व्हाट आर द स्टेक्स इन्वॉल्व्ड इन रिवाइटलाइजिंग द JCPOA, एंड इफ द डील फेल्स इट हैज़ रिपरकशंस नॉट ओनली फॉर द वेस्ट एशिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, द पीस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ये डील की क्या इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर हाईलाइट किया गया है।
Then these are the regional pages. इसमें कोई बहुत important news नहीं है आज. On page number 13, the world page, on the left side, Sunday deadline for Brexit talks. तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट है यूरोपियन यूनियन से उसकी फाइनल डील जो है वो साइन हो जाए बिकॉज द डेडलाइन इज द कमिंग संडे. उससे पहले पहले अगर डील साइन हो गई तो ठीक, नहीं तो ये नो डील ब्रेग्जिट बन जाएगा. सो ब्रेग्जिट बेसिकली एक रेफरेंडम हुआ था आज से 4 साल पहले ब्रिटेन में कि क्या उसे यूरोपियन यूनियन ट्रेड ब्लॉक का पार्ट रहना चाहिए या नहीं, और उसमें लोगों ने वोट किया था कि उन्हें ब्रिटेन से यानी कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना है. दैट इज नोन एज ब्रेग्जिट, इन शॉर्ट फॉर्म ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. लेकिन एग्जिट करने के बाद भी ब्रिटेन में और यूरोपियन यूनियन में किसी ना किसी तरह का इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो रहेगा, दे कैन नॉट टोटली स्नैप देयर टाइज. तो वो एग्रीमेंट क्या होगा उसके ऊपर अभी तक कंटेंशन है कि उसकी प्रोविजंस क्या होंगी, और अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाता है तो बिना किसी एग्रीमेंट के ही ब्रेग्जिट जो है वो हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन आइदर फॉर ब्रिटेन और फॉर यूरोपियन यूनियन. इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये एग्रीमेंट साइन हो पाता है या नहीं. एंड फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू नो व्हाट आर दोज कंटेंशियस प्रोविजंस एंड उन पे एग्रीमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट. देन मूविंग फॉरवर्ड, काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज ज़्यादा नहीं है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर विच इज़ द इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस में पेज नंबर 1 पे लेफ्ट साइड पे ये न्यूज़ है, यूएन लेट्स पाक पे लश्कर्स लखवी रुपीज़ 1.5 लाख फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेस. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है 1267 सेंक्शंस कमेटी. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमेटी है जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट्स के ऊपर बैन लगाती है, एंड दैट कमेटी इज 1267 सेंक्शंस कमेटी. ये कमेटी का नंबर है, उसका नाम है, और इसने काफ़ी सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट्स की फंडिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है. लेकिन रिसेंटली इसने पाकिस्तान को जो जकीर रहमान लखवी है हु इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ 2611 मुंबई टेरर अटैक्स, उसको 1.5 लाख रुपीज पर मंथ देने के ऊपर मतलब सहमति दे दी है. इट हैज़ अग्रीड. सो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर अस एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु हेट टेररिज्म, बट दिस इज अ वेरी यू कैन से इट्स अ लीगल डिसीजन, सो वी कैन नॉट रियली डिस्प्यूट इट. लेकिन इससे ये कमेटी दोबारा से पिक्चर में आ गई है, एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान इन एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म ऑल्सो इज अगेन इन द पिक्चर. उसके बाद अगर आगे चलें हम, ऑन द रीजनल पेजेस देर इज नॉट मच न्यूज. सो वी गो डायरेक्टली टू पेज नंबर 15 विच इज द एक्सप्लेन्ड पेज. एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर ये जो है शुड यू इन्वेस्ट इन एन IPO, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये काफी टेक्निकल आर्टिकल है, फॉर इन्वेस्टर्स इट इज. What is important for us is the second article, what's in France's draft law against Islamism. तो फ्रांस ने इस्लामिक टेररिज्म को या किसी भी तरह के रिलीजियस टेररिज्म को रोकने के लिए एक नया लॉ पास किया है. ये आर्टिकल आपको डेफिनेटली पढ़ना है, और इससे आपकी एडिशन होगी इन द मेन्स टॉपिक ऑफ सेक्युलरिज्म. तो क्या ये लॉ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाता है, और अगर नहीं जाता है then is France's model of secularism different than Indian model of secularism and how, ये आपको यहां से करना है. Then on page number 16, the editorial page, इसके ऊपर again जो left side पे article है, don't close the door, government has offered significant concessions, farmers must not turn their back to a solution. तो इसमें कहा गया है कि government ने क्या क्या offer किया. Again this article can also supplement your article in the Hindu, जिसमें कि बताया गया है कि government ने क्या क्या offer किया है, farmers क्या demand कर रहे हैं. So काफ़ी सारे point इससे आपको मिलेंगे, ये article भी आपको definitely पढ़ना है. Next is bad and worse, left side पे दूसरा editorial, Karnataka's cow protection bill threatens to rupture critical chains in the rural economy. तो आज से 10 साल पहले कर्नाटका ने एक bill pass किया था जो कि
काउज को प्रोटेक्ट करने के लिए था, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट था। तो उस वक्त उसके जो गवर्नर थे 10 साल पहले, उन्होंने उसको असेंट देने से मना कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से कर्नाटका असेंबली ने वो बिल पास किया है और अब देखना ये है क्या क्या गवर्नर उसको कंसेंट देंगे या नहीं। इसमें बेसिकली कुछ इस तरह की प्रोविजंस डाली हुई हैं जो यूपी के काउ स्लॉटर प्रोटेक्शन एक्ट से इंस्पायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस है उसको प्रेमिसेस सर्च करने की परमिशन है, किसी भी तरह से अगर कोई भी फार्मर किसी स्लॉटर हाउस को कोई भी काओ या फिर मिल्च एनिमल सेल करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर फाइन है और उसे जेल की भी प्रोविजन है। तो थोड़ा सा ड्रैकोनियन लॉ है और कहीं ना कहीं इसमें रिलीजियस और कम्युनल ओवरटोन्स हैं। तो क्या इस तरह का लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास कर पाता है या नहीं, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द गवर्नर इन दिस रिगार्ड, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम इंडियन पॉलिटी परस्पेक्टिव दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू। ऑन पेज नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मिस्टर अमिताभ कांत सीईओ ऑफ नीति आयोग, इन्होंने लिखा है रिफॉर्म द इंडियन वे। तो इनकी एक स्टेटमेंट थी रिसेंटली जिसे मिस इंटरप्रेट किया गया, तो इन्होंने कहा था दैट इंडिया इज टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि ये कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज कंपेयरिंग इंडियन सिस्टम विद दैट ऑफ चाइनीज सिस्टम। ही वाज सेइंग इंडिया इज टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी टू मिरर अ चाइना मॉडल, कि इंडिया इतनी डेमोक्रेसी है कि वो चाइना के मॉडल को ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना इज अ डिक्टेटरशिप। सो इंडिया इज अ मोर ऑफ अ डेमोक्रेसी देन चाइना इज, दिस इज व्हाट ही मेंट। तो उन्होंने इसमें क्लैरिफाई किया है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज, इस आर्टिकल में उन्होंने काफी सारे ऐसी कमिटीज, कमीशंस और कंसल्टेटिव बॉडीज के नाम बताए हैं जो कि फार्म लॉज को बनाने से पहले कंसल्ट की गई थी। सो ही इज सेइंग दैट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स दीज रिफॉर्म्स वर इन द मेकिंग दैट हैव बीन पास्ड इन द 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज इन 2020। तो वो सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड एक्चुअली नोट डाउन ऑल द नेम्स ऑफ दोज कमिटीज एंड कमीशंस सो दैट यू कैन साइट देम इन योर आंसर्स। सो these are all the important news that you have to read today from the Hindu and Indian Express. Agar aapko ye video pasand aayi ho, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and have a nice day.